हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांत एकेडमी विद मी विवेक खेवाल। एज यू ऑल नो, वी आर गोइंग थ्रू एनसीईआरटी सीरीज। इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी सीरीज है उसमें हम 9th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 10th क्लास के भी आज फाइनल चैप्टर जो है चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार के तरफ हम बढ़ रहे हैं। उपभोक्ता अधिकार को आज हम समझेंगे, और उपभोक्ता अधिकार ना केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि आम जन के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको इस तरीके से समझिएगा कि आप एक कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, और किस तरीके से आपके राइट्स के हनन होते हैं, उन राइट्स के हनन होने के बाद आप किस तरीके से उसका रिड्रेसल कर सकते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति निवारण के लिए जा सकते हैं। उसके अलग अलग राइट्स के बारे में समझेंगे, क्या क्या राइट्स आपके पास है एक कंज्यूमर होने के नाते। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी एक छोटी सी पिक्चर मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, कि मार्केट प्लेस में बाजार में जब आप एक उपभोक्ता की तरह हैं तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं वो सब बताएंगे। उपभोक्ता आंदोलन जो अलग अलग विषयों पर चले हुए हैं, चलते आ रहे हैं, अभी भी गोइंग ऑन है, उसके बारे में जानेंगे। एक कंज्यूमर किस तरीके से एक इन्फॉर्म कंज्यूमर बन सकता है, बनना चाहिए, वो हम देखेंगे। कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात करूँ तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जो सूचना का अधिकार है आपको कि आप क्या क्या जान सकते हैं अगर आप कोई भी वस्तु या कोई सेवा परचेज करते हैं मार्केट से। राइट टू चूज, उसको चॉइस कर सकते हैं कि आपको एक चीज, एक वस्तु नहीं चाहिए, आपको उसमें कुछ अलग चाहिए, तो आप किस तरीके से उसको, उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से अपने राइट को आप एक्सरसाइज करेंगे। राइट टू सीक रिड्रेसल, जिसका मैंने बताया था आपको कि क्षतिपूर्ति निवारण किस तरीके से होगा। राइट टू रिप्रेजेंट, अगर आपका कोई राइट वायलेट होता है तो आप उसको कोर्ट में कैसे सू करेंगे, तो वो सब देखेंगे। अलग अलग आपके स्टैंडर्ड्स है, ISI है, एगमार्क है, इनके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अलग अलग मार्क दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड मार्क दिए जाते हैं, सर्टिफिकेशन दी जाती है। और कंज्यूमर मूवमेंट को, जो कंज्यूमर, जो उपभोक्ता आंदोलन है, उसको किस तरीके से हम आगे लेकर चल रहे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। सो आइए शुरू करते हैं कंज्यूमर राइट्स। द कोलाज यू सी बिलो कंटेन सम न्यूज क्लिपिंग्स ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट वर्डिक्ट्स, जो हमारे उपभोक्ता अदालत है उनके जो वर्डिक्स है, फैसले हैं, उनके बारे में ये कुछ कोलाज वगैरह हमारे दिए गए हैं, अलग अलग पिक्चर्स दी गई हैं, उनके बारे में देखेंगे। व्हाई डिड पीपल गो टू कंज्यूमर कोर्ट्स इन दीज केसेस, लोग इन मामलों में कोर्ट में क्यों गए, क्या उनको, उनका किस अधिकार का उनका हनन होगा, किन राइट्स का वायलेशन वहां पे देखा गया, इसलिए ही गए होंगे वो। दीज वर्डिक्स केम अबाउट बिकॉज सम पीपल परसिस्टेड एंड स्ट्रगल टू गेट जस्टिस, बिल्कुल सही बात है, वो कोर्ट इसलिए गए क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल पाया दुकान से या फिर कोई मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से। इन व्हाट वेज वर दे डिनाइड जस्टिस, किन तरीकों से, किन किस प्रकार से उनके जो न्याय है वो न्याय को, उनको न्याय संगत नहीं बनाया गया, उनको न्याय नहीं मिला। मोर इंपॉर्टेंटली, व्हाट आर द वेज इन विच दे कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स एज कंज्यूमर टू गेट अ फेयर डील फ्रॉम सेलर्स व्हेन दे फेल्ट दे हैड बीन डिनाइड अ जस्ट ट्रीटमेंट, एक सही व्यवहार उनके साथ नहीं हुआ, एक सही ट्रीटमेंट उनके साथ नहीं हुआ जब वो एक कंज्यूमर के तरह से रिएक्ट करते हैं, एक कंज्यूमर की तरह उसके अपने अधिकार एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो सेलर के थ्रू हो या प्रोड्यूसर के थ्रू हो, उनको अगर फेयर डील नहीं मिलती तो किन प्रकार के अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब हम जानेंगे। ये आप कोलाज वगैरह देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ड्यू टीचर, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई टीचर होंगे, गेट्स 45,000 फॉर फ्लोट फोन बिल, फोन बिल उनको गलत मिला तो उसके बारे में उसने कोर्ट, उनके वो कोर्ट में गए और उनको 45,000 रुपए का मुआवजा मिला। इंश्योरेंस फर्म्स टू पे 7,000 फॉर द थेफ्ट, किसी ने अपने फोन की या किसी भी प्रोडक्ट की इंश्योरेंस करवाया होगा और उस इंश्योरेंस में अगर उनकी कोई वो वस्तु है चोरी हो गई तो उसको इंश्योरेंस कंपनी ने देने से मना कर दिया होगा, फिर कोर्ट में गए होंगे तो 7,000 रुपए का जुर्माना, 7,000 रुपए का जो कॉम्पेंसेशन है, मुआवजा उनको मिला। तो यही सब पिक्चर्स हैं कि अलग अलग टाइम पे ग्राहकों को किस तरीके से उनके राइट्स का वायलेशन हुआ और किस तरीके से उन राइट्स को हमने यूज किया थ्रू कोर्ट, ये सब हम जानेंगे। कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि बाजार में एक उपभोक्ता किस तरीके से उसके राइट्स हैं, वो खरीदता है माल कैसे कैसे, उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये सब हम जानेंगे। वी पार्टिसिपेट इन मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जब हम मार्केट में होते हैं तो दोनों तरीके से ही रिएक्ट करना हमें पड़ता है, दोनों तरीके से ही हम अपने अधिकार एक्सरसाइज करते हैं। हम वहाँ पे प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, निर्माता, और हम वहाँ पे उपभोक्ता भी हो सकते हैं। एज प्रोड्यूसर ऑफ गुड, अगर हम
गुड्स और सर्विस के, वस्तु और सेवा के निर्माता हैं, वी कुड बी वर्किंग इन एनी ऑफ द सेक्टर डिस्कस अर्लियर सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, जो हमने तीन तरह के अलग अलग सेक्टर बताए थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, उन तीनों में से हम किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज के निर्माता हो सकते हैं। कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट इन मार्केट व्हेन दे परचेज गुड एंड सर्विसेज दैट दे नीड। उपभोक्ता के तौर पे जब आपको किसी वस्तु या सेवा की जरूरत होती है तो आप उसमें भागीदारी करते हैं। दीज आर फाइनल गुड्स दैट पीपल एज अ कंज्यूमर यूज। अगर आप उपभोक्ता है तो उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता जो उपभोग करता है किसी वस्तु का, तो वो क्या वस्तु होती है? वो फाइनल गुड्स कहलाते हैं। जब उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वो वस्तु, वे सेवाएं फाइनल गुड्स या सर्विसेज कहलाती हैं। इन प्रीसीडिंग चैप्टर वी डिस्कस द नीड फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टेप्स दैट वुड प्रमोट डेवलपमेंट। पहले के चैप्टर में हमने देखा कि विकास को प्रमोट करने के लिए किन किन स्टेप्स, किन किन रूल्स, नियमों की जरूरत थी। दिस वुड बी प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, वो मजदूरों के अधिकार का जो संरक्षण है उससे रिलेटेड हो सकते हैं। इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में जब हमने पढ़ा था, क्योंकि उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं है, रेगुलर जॉब नहीं है, उसके अलावा छुट्टी भी नहीं मिल रही थी उनको, वो सब हमने पढ़ा था। और टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर इन इनफॉर्मल सेक्टर, और जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं उसमें मनी लेंडर्स के द्वारा, जो महाजन लोग हैं उनके द्वारा जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है उससे लोगों को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने बात की थी बैंक के थ्रू, ऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू, या फिर इंस्टीट्यूशनलाइज जो लोन है उसके थ्रू। सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रूल एंड रेगुलेशन है, हालांकि हमने इस इकोनॉमिकल चैप्टर में नहीं पढ़ा, बट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास है एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, EPA जिसको बोलते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 का एक्ट है। अम्ब्रेला एक्ट इसको बोलते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट है। इन्वायरमेंट को, जब भी इन्वायरमेंट को कोई हानि होती है तो इसी एक्ट के थ्रू लोग कोर्ट में जाते हैं और बताते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से इन्वायरमेंट को यह हानि है, ताकि कोर्ट उसमें अपना पार्ट प्ले कर सके और उस एक्टिविटी को रोक सके। आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। मनी लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर दैट यू रीड इन चैप्टर 3, जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मनी लेंडर की बात हुई थी, अनौपचारिक क्षेत्र की बात हुई थी। एडॉप्ट वेरियस ट्रिक्स टू बाइंड बोरोवर, जो उधार लेने वाला जो व्यक्ति है उसको बांधने के कई सारे तरीके मनी लेंडर चूज करते हैं, हालांकि वो तरीके लीगल नहीं है, इलीगल तरीके हैं। दे कुड मेक प्रोड्यूसर सेल द प्रोड्यूस टू देम एट ए लो रेट इन रिटर्न ऑफ टाइमली लोन। जैसे कि अगर कोई एग्रीकल्चर का ट्रेडर है, वो किसी फार्मर को लोन देता है, तो वो क्या रिटर्न में, क्या वापसी में क्या चाहता है? कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उस फार्मर का, वो उसी एग्रीकल्चर ट्रेडर के पास जाए और वो भी कम पैसों में, ताकि वो लोन की सेटलमेंट कर सके। दे कुड फोर्स अ स्मॉल फार्मर, एक छोटे फार्मर को मनी लेंडर्स के, जैसे स्वप्ना का जो एग्जाम्पल था, उन्होंने अपने लोन को सेटल करने के लिए अपनी जमीन का टुकड़ा तक बेचना पड़ गया था, तो ये भी एक हैरेसमेंट है, एक्सप्लॉयटेशन है। सिमिलरली मेनी पीपल हु वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनको भी कई सारे अधिकार उनके वॉयलेट होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है। हैव टू वर्क एट ए लो वेज, उनको कम मजदूरी में काम करना पड़ता है, कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ती है, जैसे कि ओवर टाइम काम करेंगे फिर भी पैसे नहीं, संडे को भी काम करेंगे, अगर काम की छुट्टी लेंगे तो उनको उसका कोई भी छुट्टी, अनपेड लीव उनको मिलती है, पेड नहीं मिलती, क्यों? ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनको पेड लीव मिलती है संडे को, चाहे वो काम पे जाए ना जाए, संडे की छुट्टी है बट फिर भी उनको उसकी पेमेंट मिलेगी। दैट आर नॉट फेयर एंड आर ऑफन हार्मफुल टू देयर हेल्थ, जो उनके शरीर के लिए भी नुकसानदायक है और फेयर भी नहीं, न्याय संगत भी नहीं है। टू प्रिवेंट सच एक्सप्लॉयटेशन, इस तरह के जो शोषण है उसको रोकने के लिए, वी हैव टॉक्ड अबाउट टॉक्ड ऑफ रूल्स, नियम और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो हम बात करते हैं उसके लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बात करते हैं कि उनके अधिकार संरक्षण कैसे हों, चाहे वो स्वप्ना जैसी फार्मर हो जिसको लोन चाहिए, चाहे वो कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति हो, उसको जो रूल एंड रेगुलेशन के तहत उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हीं रूल एंड रेगुलेशंस की हमने पहले के चैप्टर्स में बात की थी। देर आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव स्ट्रगल्ड टू लॉन्ग टू एंश्योर दैट दीज रूल्स आर फॉलो, कई सारे संगठन हैं जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते आ रहे हैं इन सेक्शंस के लोगों को, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें,
किसी छोटे फार्मर की बात करें, उनके अधिकारों के संरक्षण में काफी सारी संगठन ऐसी है, एनजीओ हो सकती हैं, वो सिविल सोसाइटीज हो सकती हैं, वो सब काम कर रही हैं इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए। आपने भी पढ़ा होगा, कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके भी सामने आई होंगी। लाइकवाइज रूल एंड रेगुलेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। इसी प्रकार जब हम बाजार में कोई उपभोक्ता होता है तो उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसे ही रूल रेगुलेशन की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड। रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के उपभोक्ताओं के। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफन फाइंड देमसेल्फ इन वीक पोजिशन। जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, एक अकेला उपभोक्ता है, वो अपने आप को एक वीक पोजिशन में मानता है। कैसे कि आप एक अकेले उपभोक्ता है, आपको दुकान पे गए, आप कोई सामान आपको खरीदना है और आपको वो सामान अच्छा नहीं लगा, उसकी एक्सपायरी डेट जा चुकी है, वो दुकान वाला क्या आ गया, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, किसी और दुकान से ले लो। तो एक प्रकार से आपका शोषण करता है मेंटली कि अब आपको खरीदना ही पड़ेगा, वो बेकारा माल ही, वो खराब माल ही आपको खरीदना पड़ेगा, ऐसा वो एक वीक पोजिशन में इंडिविजुअल अपने आपको फील करता है। आपने भी कभी कभी फील किया, कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि कई बार चीजें कम है, वस्तु कम है, उनकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उसमें आपने फील किया होगा कि दुकानदार अपनी मोनोपोली एक किस्म से सेटअप किए हुए थे और जैसा भी माल था, क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी तो हम उसे उसको खरीद रहे थे। कई बार हम दाम उसके 20 रुपए हैं तो उसको 30 रुपए 100 रुपए तक में गए। मास्क वगैरह की जब मैं बात करूं, या किसी मेडिकल के इंजेक्शन की मैं बात करूं, सैनिटाइजर्स की मैं बात करूं, खाने की विषय वस्तु की अगर मैं बात करूं, व्हेनेवर देयर इज अ कंप्लेंट रिगार्डिंग अ गुड और सर्विस दैट हैड बीन बॉट, द सेलर ट्राइज टू शिफ्ट ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू बायर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बायर है उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां थोपने की कोशिश की जाती है विक्रेता के द्वारा, जो सेलर है आपका, दुकानदार जो है उसके द्वारा उसके ऊपर थोपने की कोशिश की जाती है। किस तरीके से, वो क्या कहते हैं, इफ यू डोंट लाइक व्हाट यू बॉट प्लीज गो एल्सवेयर। अगर आपने जो खरीदा है वो आपको पसंद नहीं आया तो आप कहीं और से खरीद ले। एज इफ सेलर हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी वंस अ सेल इज कंप्लीटेड। सेलर क्या करते हैं, आपने देखा होगा, नो रिटर्न नो गारंटी। कई बार आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहां से सामान लो और सामान निकलते ही कोई गारंटी इसकी नहीं है, तो वो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो बायर के ऊपर थोप देता है कि आपने खरीदा है, आप इसके जिम्मेदार हैं, खराब हो या ठीक रहे। द कंज्यूमर मूवमेंट एज वी शैल डिस्कस लेटर इज एन एफर्ट टू चेंज द सिचुएशन। जो कंज्यूमर मूवमेंट है, उपभोक्ता आंदोलन जो है, वो इसी भयावह स्थिति को बदलने के लिए एक स्टेप है, एक इनिशिएटिव है। एक्सप्लोइटेशन इन मार्केट प्लेस हैपन्स इन वेरियस वेज। अलग अलग तरीके से शोषण होता है बाजार के अंदर, जब हम जाते हैं तो अलग अलग तरीके से शोषण होता है। जैसे कि किस तरीके से देख सकते हैं, समटाइम्स ट्रेडर्स इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता है एक ऐसी व्यापारिक गतिविधि जो अनफेयर है, न्याय संगत नहीं है, सच एज वेन शॉपकीपर वेज लेस। कई बार क्या होता है कि सामान है 1 किलो बट वो बाट का यूज करता है, एक नकली बाट का यूज करता है जो कि आपको 800 ग्राम ही देगा और दिखाएगा कि 1 किलो का है। देन व्हाट दे शुड और व्हेन ट्रेडर्स ऐड चार्जेस दैट वर नॉट मेंशन्ड बिफोर। कुछ ऐसे चार्जेस जो मेंशन नहीं किए गए, जैसे कि आपने देखा होगा पहले क्या होता था कि होटल में जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे खाना खाने के लिए, तो सर्विस चार्ज जो था, सर्विस चार्ज बाद में मेंशन होता था, जबकि मेन्यू में ऐसा कुछ लिखा नहीं होता था कि सर्विस चार्ज लिया जाएगा आपसे, बट स्टिल दे चार्ज एंड देट वर नॉट मैंशन बिफोर, जो पहले मैंशन नहीं थे। या फिर कभी कभी आपको एडल्ट और डिफेक्टिव गुड्स भी बेच दिया जाता था, जैसे कि सरसों के तेल में मिलावट या गेहूं में मिलावट, दाल चावल में मिलावट, अक्सर आप सुनते रहते होंगे कि ये मिलावटी चीजें हैं या फिर डिफेक्टिव जो खराब जो वस्तु है उनको बेचा गया। ये भी एक एक्सप्लोइटेशन था ग्राहक का, एक्सप्लोइटेशन है ग्राहक का, जो आप आए दिन आप देखते होंगे अपने आस पास के बाजार में। मार्केट्स डू नॉट वर्क इन ए फेयर मैनर व्हेन प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड पावरफुल। जब किसी मार्केट में जो निर्माता हैं वो कम है, उनकी मोनोपोली है, तो आपको ज्यादा चॉइस भी नहीं मिलती, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं। प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड पावरफुल, और ताकतवर भी है और कम भी है, तो वो क्या करते हैं, कंज्यूमर का एक्सप्लोइटेशन करते हैं। व्हेयरएज कंज्यूमर परचेज इन स्मॉल अमाउंट एंड आर स्कैटर्ड। जब उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदते हैं और बिखरे हुए होते हैं, मतलब संगठित नहीं होते, तो वो ऐसा जनरली करते हैं कि जो पावरफुल और किसी सेक्टर के कम निर्माता हैं, वो अगर कोई सामान आपको बेचते हैं तो वो अनफेयर प्रैक्टिस का यूज करते हैं उस मार्केट के रेस्पेक्ट में। दिस हैपेंस स्पेशली व्हेन लार्ज कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स। जब बड़ी कंपनियां किसी
वस्तु को बेचते हैं तो ये अक्सर देखने को मिलता है। जैसे कि आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेडिकल कंपनी का, एक मेडिकल कंपनी ने क्या किया कि एक जेनरिक मेडिसिन थी उसको उसके प्राइस से ज़्यादा में बेचा, और जो उसका साल्ट था जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स थे वो भी उसने सही तरीके से नहीं रखे। तो इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में उसकी मोनोपोली थी, ताकतवर थी, तो जो ग्राहक थे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उस दवाई से, तो वो कोर्ट गए, तो कोर्ट में उनकी सुनवाई अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि जो बड़ी कंपनी थी उसके लोअर भी पावरफुल होते हैं, तो वहाँ पर भी आप सुन नहीं कर पाए। तो वो कंपनी फिर यूएसए में जाके, उस व्यक्ति ने यूएसए में जाके जब केस फाइल किया तो उस कंपनी को लगभग 200 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ा। दीज कंपनीज विद ह्यूज वेल्थ, उनके पास धन की भी काफी है, पावर भी अच्छी है, एंड रिच और पहुंच भी अच्छी है, कैन मैनिपुलेट मार्केट इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एट टाइम्स फॉल्स इंफॉर्मेशन, जो गलत सूचनाएं हैं, इज पास्ड ऑन थ्रू द मीडिया, मीडिया के थ्रू अदर रिसोर्सेज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर। कई बार हमने देखा होगा कुछ एडवर्टाइज चलाए जाते हैं, जैसे कि 30 दिन में बाल उगाएं, ये सब आपने पढ़ा होगा, या कुछ ऐसी चीज कि 30 दिन में मोटापा घटाएं, तो एक ऐसी अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट, बट उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन है, गलत सूचनाएं हैं कि किस तरीके से वो उपभोक्ता को अट्रैक्ट करते हैं और फिर उपभोक्ता उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, और होगा भी कैसे, क्योंकि ये लॉजिकली नहीं है, बट स्टिल जब वो इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुंचती है तो आप उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपको वो समस्या है। या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है कि जैसे वजन किसी का कम है, वेट किसी का कम है, तो वेट को बढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है जो मैनिपुलेट कर रहा है आपको, तो इस मैनिपुलेशन से बचना चाहिए अक्सर हमें, और एक इन्फॉर्म कंज्यूमर की तरह रिएक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी फॉर अ ईयर सोल्ड पाउडर मिल्क, एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि एक कंपनी ने पाउडर मिल्क को बेचा सालों तक बेबीज के लिए, पाउडर मिल्क फॉर बेबीज, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए पाउडर मिल्क बेचा, और क्या दावा किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बेचा, क्या दावा किया, एज द मोस्ट साइंटिफिक प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक प्रोडक्ट है, क्लेमिंग दैट दिस टू बी बेटर देन मदर मिल्क, और क्या क्लेम किया कि माँ के दूध से भी अच्छा दूध है वो पाउडर मिल्क जो बेबीज के लिए बनाया है उस कंपनी ने। इट टुक इयर्स ऑफ स्ट्रगल बिफोर कंपनी वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दैट इट हैड बीन मेकिंग फॉल्स क्लेम्स, सालों लग गए उस कंपनी को एक्सेप्ट कराने में कि वो जो कंपनी जो दावे कर रही है वो निहायती बकवास है, फॉल्स क्लेम्स है उसके। सिमिलरली, अ लॉन्ग बैटल हैड टू बी फाउट विद कोर्ट केसेस टू मेक सिगरेट, जो सिगरेट कंपनी थी वो पहले मानती नहीं थी, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी कि उनकी सिगरेट कैंसर करती है, बट आफ्टर कोर्ट्स की जो इंटरवेंशंस रही, सरकार की हमारी इंटरवेंशंस रही, अलग अलग रिपोर्ट्स आई, साइंटिफिक रिपोर्ट्स आई, उसके अकॉर्डिंग पता चला कि वो कैंसरस है, तो फिर उसको मानना पड़ा। तो कंपनीज को, सिगरेट की कंपनी है जो बनाती है जो देयर प्रोडक्ट वो कैंसर करते हैं, इसको मानने में उनको सालों लग गए। हेंस देयर इज अ नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन टू इंश्योर प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि एक आवश्यकता है रूल और रेगुलेशंस की, जिससे हम उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण कर सके। व्हाट आर द वेरियस वेज बाय विच पीपल मे बी एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट, अलग अलग तरीके क्या है जिसके तहत पीपल, लोगों का शोषण होता है मार्केट में, कई तरीके से हो सकता है, चाहे वो वेट में हो, वेट आपको मतलब कोई एक किलो चीज चाहिए तो मिल रही है आपको 800 ग्राम, एडल्टर्ड प्रोडक्ट हो सकता है, मिलावटी वस्तु हो सकती है वो अगर आपको इंग्रेडिएंट जो बताए गए हैं वो ना हो, उसकी जगह कुछ और हो, अट्रैक्टिव आपकी एडवर्टीजमेंट, गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सकती है उसके बारे में, दुकानदार कह सकता है कि गारंटी है, फिर गारंटी देने से मना कर सकता है, इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन आपको देखने को मिलता है। और आप सब जानते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन मार्केट प्लेस में किस तरीके से होता है, अपने खुद के एग्जाम्पल को आप उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका एक्सप्लॉइटेशन हुआ कभी ना कभी। थिंक ऑफ वन एग्जाम्पल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, यू थॉट देयर वाज सम चीटिंग इन द मार्केट, अपने अनुभव से आप देखिए कि आपके साथ कब मार्केट में इस तरह की चीटिंग हुई, जब आप सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाए, आप सहमत नहीं हो पाए उस प्रोडक्ट से जो बेचने वाला था। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट, आपके हिसाब से क्या लगता है कि गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के जो एक्ट हैं, जैसे हम पढ़ेंगे आगे चल के, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, जो कि बाद में अमेंडमेंट हुआ 2019 में, उसके रूल एंड रेगुलेशन जो फॉर्म हुए 2021 में, तो इस तरीके से गवर्नमेंट अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू कंज्यूमर को प्रोटेक्ट को कंज्यूमर के राइट्स जो हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, करती भी है, बट उसके लिए एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर भी हमको होना पड़ेगा कि अगर हमारे राइट का वायलेशन हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या वो जगह है जहाँ पे हमारी सुनवाई होगी, क्या वो जगह है जहाँ पे हमें न्याय मिलेगा,
वो सब हमें पता होना चाहिए। आगे आगे पढ़ेंगे और आप अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि ये आप हर एक व्यक्ति एक कंज्यूमर तो है ही। कंज्यूमर मूवमेंट की अगर हम बात करें, उपभोक्ता आंदोलन की अगर हम बात करें, उसके बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर मूवमेंट अराउज आउट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स एज मेनी अनफेयर प्रैक्टिसेस वर बीइंग इंडल्ज्ड इन बाय सेलर्स। जो विक्रेता थे उनके द्वारा काफी तरह से जो अनफेयर प्रैक्टिस थी वो की जा रही थी। और इस लाइन को आप ध्यान में रखिएगा, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। जब कोई ग्राहक है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, सहमत नहीं हुआ, असहमति अगर कस्टमर्स कंज्यूमर के बीच में है, कंज्यूमर की तरफ है किसी सामान को लेते हुए या किसी सामान का यूज करते हुए, तो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि उसके जो अधिकार है उसका संरक्षण नहीं हुआ। एक उपभोक्ता के तहत उसके जो अधिकार थे जो सेलर को उसको देने चाहिए थे वो उसने नहीं दिए। देर वॉज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट। कोई ऐसा कानूनी सिस्टम नहीं था जो अलग अलग उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण बाजार में कर सके। फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हेन कंज्यूमर वाज नॉट हैप्पी विद पर्टिकुलर ब्रांड प्रोडक्ट और शो, जब लंबे समय तक कोई उपभोक्ता किसी पर्टिकुलर ब्रांड से या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या किसी पर्टिकुलर दुकान से सहमत नहीं है, उसके जो इंटरेस्ट है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, ही और सी जनरली अवॉइड बाइंग। वो क्या करता है कि उससे खरीदना बंद कर देता है। हम भी ऐसे करते हैं जनरली कि कौन कोट जाए, हम ये सोचते हैं कौन कोट जाए, तो हम क्या करते हैं कि उस दुकान से लेना बंद कर देंगे, उस ब्रांड का खरीदना बंद कर देंगे, उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर से माल लेना बंद कर देंगे। हम ये नहीं सोचते कि वो प्रोडक्ट किसी और के पास भी जाएगा, क्यों ना हम उसके इनिशिएटिव लेके कोट को सू करें और एक साइंटिफिक तरीके से उसको चैलेंज करें। दैट ब्रांड प्रोडक्ट वुड स्टॉप परचेजिंग फ्रॉम दैट शो। इट वॉज प्रिज्यूम दैट इट वॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू बी केयरफुल वाई बाइंग ए कमोडिटी और सर्विस। दुकानदार क्या सोचते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या सोचते हैं, सेलर्स क्या सोचते हैं कि ये ग्राहक की जिम्मेदारी है कि वो सही माल खरीदे। ऐसे बता रहे हैं कि प्रिज्यूम किया जाता है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंज्यूमर की, केयरफुल रहने की, सावधानी पूर्वक कोई भी व्यक्ति वस्तु या कोई सेवा खरीदे। इट टुक मेनी ईयर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। सालों लग गए अलग अलग संगठनों को भारत में या विश्व में उपभोक्ताओं को ये समझाने में कि किस तरीके से जागरूक उपभोक्ता बन सकते हैं। This has also shifted the responsibility of enduring quality and goods and services on the seller. इसने क्या किया, ये जो movement थी, आंदोलन जो थे, इन्होंने क्या किया कि जो वो responsibility थी किसी सेवा और वस्तु को जांच परख कर लेने की, जो पहले उपभोक्ताओं के पास हुआ करती थी, उपभोक्ताओं की तरफ वो जिम्मेदारी हुआ करती थी, अब वो इन्होंने shift करने का काम किया, एक behavior change का काम किया कि अब seller producer वो ही इंश्योर करना चाहिए कि वो ग्राहक को किस तरीके का माल बेच रहा है। इन इंडिया कंज्यूमर मूवमेंट एज ए सोशल फोर्स, एक सामाजिक बल के तहत ओरिजिनेट हुआ। भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन है वो एक सामाजिक बल के तहत ओरिजिनेट हुआ विद नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग। जरूरत क्या थी उस आंदोलन करने की, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट द अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जरूरत थी कि उस ग्राहक को प्रोटेक्ट करे, उस ग्राहक को संरक्षण करे किस चीज से, अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, उसके विरुद्ध ग्राहक को, उस उपभोक्ता को वो जागरूक कर सके। रैम्पेंट फूड शॉर्टेजेस, आपने देखा होगा कुछ भी, जैसे कभी कभी खाने की कमी हो जाती है, होर्डिंग्स हो जाते हैं। होर्डिंग्स क्या मतलब, स्टॉक लगा लेते हैं बड़े बड़े जो सेलर्स हैं, वो स्टॉक लगा लेते हैं और उसको तब बेचते हैं जब उसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लैक मार्केटिंग होती है, एडल्ट्रेशन होता है, मिलावटी फूड होते हैं, एडिबल ऑयल, खाना और जो एडिबल ऑयल है तेल में मिलावटें होती हैं, गेव बर्थ टू कंज्यूमर मूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इन 1960s में ये सब जो समस्याएं देखी गई, जैसे शॉर्टेजेस ऑफ फूड, होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल, इन सब समस्याओं को देखते हुए इन्होंने किस चीज का जन्म दिया, उपभोक्ता आंदोलन का 1960s में। टिल 1970 तक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वर लार्जली इंगेज्ड इन, 1970 तक जो उपभोक्ता के संगठन थे वो क्या थे, इंडल्ज किसमें थे, किसमें वो व्यस्त थे, राइटिंग आर्टिकल्स लिख रहे थे, एग्जीबिशंस होल्ड कर रहे थे, एग्जीबिशंस लगा रहे थे, प्रदर्शनी लगा रहे थे, किस चीज के लिए, कि ताकि हमारा उपभोक्ता जो है वो जागरूक हो सके। बट दे फॉर्म कंज्यूमर ग्रुप्स टू लुक इनटू माल प्रैक्टिसेस। क्या क्या उन्होंने, कि जो उपभोक्ताओं के जो ग्रुप्स थे, समूह थे,
उनको देखने के लिए कि माल प्रैक्टिसेस इन द रेशन शॉप्स, रेशन शॉप्स में तो आज भी माल प्रैक्टिसेस होती है, गलत तरीके से माल बेचा जाता है रेशन शॉप, जो फेयर प्राइस शॉप आपने देखी होगी, कई बार क्या होता है आपको एंटाइटलमेंट से आप कहा कि 25 किलो अनाज का दिया जाता है, 20 किलो महीने में दो बार मिलना चाहिए, मिलता है एक बार, तो ये सब आप देखने को मिलता है। ओवर क्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, सीट है 50 की और रोडवेज ट्रांसपोर्ट वाले जो है, सरकारी रोडवेज ट्रांसपोर्ट वाले क्या कर देते हैं, उन्हें 70-75 भर देते हैं पैसेंजर, तो ये भी आपका एक अधिकार का हनन था। मोर रिसेंटली इंडिया विटनेस अ अपसर्ज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स, रिसेंटली कुछ दिनों में हमने क्या देखा है कि जो ग्राहकों के जो समूह है, उपभोक्ताओं के समूह है, उसमें भी एक वृद्धि हुई है, उससे में क्या फायदा हुआ ये भी हम पढ़ेंगे। कंज्यूमर इंटरनेशनल, तब अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 1985 में यूनाइटेड नेशन ने एक गाइडलाइन अडॉप्ट की, यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र ने गाइडलाइन अडॉप्ट की, यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ताओं के लिए गाइडलाइन जारी की यूएन ने। दिस वॉज ए टूल फॉर अ नेशन, राष्ट्रों के लिए एक टूल था कि वो किस तरीके से उपभोक्ताओं के संरक्षण में अधिकार को, उपभोक्ताओं के जो अधिकार है उनको किस तरीके से लागू करें, उनके अधिकारों को संरक्षित करते हुए। प्रोडक्ट मेजर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, कंज्यूमर को जो उपभोक्ता उनके अधिकारों का संरक्षण हो, एंड फॉर कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स टू प्रेस देयर गवर्नमेंट्स टू डू सो, और जो उपभोक्ता संगठन थे वो किस तरीके से अपनी सरकार को प्रेशराइज करे ऐसे कुछ एक्ट, ऐसे कुछ नियम कानून लेकर आने में। एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दिस हैज बिकम द फाउंडेशन फॉर कंज्यूमर मूवमेंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक नींव रखी गई उपभोक्ता आंदोलन की। टुडे कंज्यूमर इंटरनेशनल, आज के टाइम पे जो कंज्यूमर इंटरनेशनल है उसके कितने हैं, हैज बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी, एक अम्ब्रेला बॉडी की तरह काम करती है जिसमें 200 से ज्यादा सदस्य संगठन है, 100 से ज्यादा कंट्रीज की, मतलब 100 देशों से ज्यादा कंट्रीज की 200 से ज्यादा संगठन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, जो एक संस्था है यूएन की, कंज्यूमर इंटरनेशनल। इसको नोट कीजिएगा कि कंज्यूमर इंटरनेशनल अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि वो किसकी संस्था है, तो यूएन की संस्था है, कब बनी, 1985 में। इंटरनेशनल लेवल पर ये एक नींव थी जो हमारे उपभोक्ता आंदोलन थे उसको रखने की। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में देखते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज एफर्ट मूवमेंट सक्सेसिड इन ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन बिजनेस फर्म्स एज वेल एज गवर्नमेंट, इन सब उपभोक्ता आंदोलनों ने क्या किया कि बड़े बड़े जो बिजनेस थे उनको और गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, किस चीज के लिए, बिजनेस को एक सही मैनर में कंडक्ट करने के लिए, विच मे बी अनफेयर एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एट लार्ज। जो भी ऐसे व्यापार थे, ऐसे बिजनेस थे जो उपभोक्ताओं के खिलाफ थे, उपभोक्ताओं के अधिकारों के खिलाफ थे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, उनको प्रेशराइज किया कि वो ऐसा ना करें। किस तरीके से, अ मेजर स्टेप टेकन इन 1986, ये इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने 1986 में एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, इनेक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ, पॉपुलरली नोन एज कोपरा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कोपरा, कोपरा एक्ट। यू विल लर्न मोर अबाउट कोपरा एक्ट लेटर, थोड़ी बाद में इसके बारे में बता देता हूं आपको। जो कोपरा एक्ट था, कोपरा एक्ट जब कंज्यूमर इंटरनेशनल यूएन ने बनाई उसके बाद भारत में लागू हुआ। कोपरा एक्ट के को अमेंड किया गया 2019 में। इसके अंदर कुछ और चीजें भी इन्वॉल्व की गई, इंक्लूड की गई, कुछ समस्याएं थी उसको रिजोल्व किया गया, कुछ अच्छी चीजें थी उनको रखा गया, और कुछ चेंजेस किए गए आज के टाइम के हिसाब से, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट कुड हैव बीन स्टेप्स टेकन बाय कंज्यूमर ग्रुप्स, कंज्यूमर ग्रुप्स क्या स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे जो उपभोक्ता के समूह हैं वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप समझ लो कि आप एक कंज्यूमर ग्रुप्स के हिस्सा हैं, एक उपभोक्ता समूह है उनके आप हिस्सा हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अनएथिकल है, इलीगल है, वो किस तरीके से हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है, कहीं अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही है, तो आप उसके प्रति आवाज उठा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, दुकानदारों को समझा सकते हैं कि आप ऐसा ना कीजिए वरना हम आपको कोर्ट में शू करेंगे। इस एक्ट के तहत जो कोपरा एक्ट है, देयर मे बी रूल्स एंड रेगुलेशन बट देयर आर ऑफन नॉट फॉलोड, भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है बट वो फॉलो क्यों नहीं होते, फॉलो इसलिए नहीं होते क्योंकि कहीं ना कहीं
ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्राहक के ऊपर आज भी है कि अगर वो फेस करता है कोई ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस जो अनफेयर है, अनएथिकल है, तो उसी को कोर्ट जाना पड़ेगा। बिजनेस हाउसेस जो हैं बड़े बड़े मोनोपोली जिनकी हैं, उनके पास वेल्थ भी है, पावर भी है, तो उनके पास बड़े वकील हैं, लॉयर्स हैं बड़े बड़े, तो वो क्या करते हैं आपको टिक नहीं देते। बट इसका एक अच्छा तरीका है कि इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो वीक पोजिशन में है, बट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, अलग अलग जो उपभोक्ता संगठन है या फिर उपभोक्ताओं के समूह है, वो इसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं कि मिलके उस कंपनी के खिलाफ केस लड़ते हैं तो वो काम होता है। और इसके हमारे पास लाखों एग्जाम्पल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ अक्सर केस चलते रहते हैं, उसके भी हमारे पास लाखों एग्जाम्पल है। जब एक जो उपभोक्ताओं का संगठन है, उपभोक्ताओं का समूह है, उन्होंने उसको कोर्ट में सू किया और उसका उसको फायदा मिला। ये आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर फोरम जो है, उपभोक्ता अदालत जिसको बोलते हैं, वो उपभोक्ता शिकायत केंद्र दिल्ली का एक ऑफिस है, इसमें आप शिकायत करते हैं, कंज्यूमर फोरम उपभोक्ता शिकायत केंद्र। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं अगर आप फील करते हैं कि आप के इंटरेस्ट जो है उनको वॉयलेट किया गया है, एज ए कंज्यूमर एक उपभोक्ता के तौर पर आपके जो इंटरेस्ट है उनको वॉयलेट किया गया है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। कंज्यूमर राइट्स की अगर मैं बात करूँ, उपभोक्ताओं अधिकार की जो बात करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि किस किस प्रकार के अधिकार आपके पास है। सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट, सही बात है, सुरक्षा हर एक का अधिकार है। अगर आप कोई गुड और सर्विसेज परचेज करते हैं कहीं किसी भी मार्केट से, किसी सेलर से, किसी मैन्युफैक्चरर से, किसी प्रोड्यूसर से, तो इट वाज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ये दायित्व है कि वो आपको एक ऐसी गुड और सर्विसेज दें जिससे आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा इंश्योर हो सके, ना कि आप असुरक्षित महसूस करें। एक एग्जाम्पल देखते हैं रेजीज का, रेजी एक लड़का है, रेजी मैथ्यू, उनका एक सफरिंग जो उनको फेस करनी पड़ी उसके बारे में ये एग्जाम्पल है। रेजी मैथ्यू हेल्दी बॉय स्टडिंग इन क्लास 9 वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट क्लिनिक इन केरला फॉर रिमूव ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिल उसको हो गया था, उसको रिमूव करने के लिए वो एक प्राइवेट क्लिनिक में एडमिट हुआ। एन ENT सर्जन परफॉर्म द टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन, उसका टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ अंडर जनरल एनेस्थीसिया, एक सामान्य एनेस्थीसिया के तहत उसका ऑपरेशन हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रोपर एनेस्थीसिया, उसको एनेस्थीसिया जो दी गई वो इम्प्रोपर दी गई, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, रेजी शोड सिम्टम्स ऑफ सम ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज, कुछ जो दिमागी एबनॉर्मेलिटीज के सिम्टम्स रेजीज को देखने को मिले, बिकॉज ऑफ विच ही हैज क्रिपल्ड फॉर लाइफ, पूरी जीवन भर वो तड़पता रहा। हिज फादर फाइल्ड अ कंप्लेंट इन स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, उसके फादर ने जो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन था उसको अंदर क्षतिपूर्ति निवारण का जो एक तरीका था कमीशन के तहत, उसको उसने फाइल किया, उसमें केस फाइल किया, क्लेमिंग कंपेंसेशन ऑफ 5 लाख का मुआवजा क्लेम किया फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डेफिशिएंसी। इसके लिए उसने जो सर्विस उसने ली थी डॉक्टर से, उस क्लिनिक से, उसमें मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ जिसकी वजह से जनरल एनेस्थीसिया की जगह उसको इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया दिया गया, जिसकी वजह से बाद में चल के उसको दिमागी तौर पर जूझना पड़ा और जिंदगी भर के लिए उसका ये जूझना साबित हुआ। इस वजह से उसके पिताजी ने कमीशन को, जो कंज्यूमर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन था केरला का, उसमें फाइल किया केस 5 लाख मुआवजे के लिए। द स्टेट कमीशन सेइंग दैट द एविडेंस वाज नॉट सफिशिएंट, स्टेट कमीशन ने क्या कहा उसके पिताजी को कि आपके पास जो एविडेंस है, सबूत है, वो सफिशिएंट नहीं है, एंड डिसमिस्ड इट, और इसको खारिज कर दिया, आपकी जो कंपनसेशन की जो उन्होंने डिमांड की थी, फाइल किया था जो कंप्लेन, उसको खारिज कर दिया। रेजीज फादर अपील्ड अगेन इन नेशनल कंज्यूमर, उसने अब स्टेट की जगह राष्ट्रीय कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को उसने जो नई दिल्ली में है वहां पे फाइल किया। द नेशनल कमीशन आफ्टर लुकिंग इनटू कंप्लेंट हेल्ड हॉस्पिटल रेस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन। जब राष्ट्र के कंज्यूमर फोरम में वो गया, कमीशन में उसने फाइल किया, तो कमीशन ने चेक किया कि हाँ मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, प्रॉपर एनेस्थीसिया नहीं दिया गया जिसकी वजह से उस बच्चे की वो हालत हुई, तो उन्होंने क्या किया कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में उस पर्टिकुलर क्लिनिक को सू किया और 5 लाख का मुआवजा देने के लिए उसको इंस्ट्रक्ट किया। अब इस एग्जांपल से हम क्या समझते हैं, रेजी सफरिंग सो हाउ अ हॉस्पिटल, किस तरीके से एक अस्पताल जो है उसके नेग्लिजेंस की वजह से, उसके डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से, स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से जो एनेस्थीसिया को दिया गया, क्रिपल्ड स्टूडेंट फॉर लाइफ, जीवन भर के लिए उस
उस स्टूडेंट को एकदम बेड पे लेटने के लिए मजबूर कर दिया, उसकी दिमागी हालत खराब कर दी। वाइल यूजिंग मैनी गुड्स एंड सर्विसेज वी एज अ कंज्यूमर हैव द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दैट आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एक उपभोक्ता होने के नाते हमारे पास एक अधिकार है कि हमें ऐसे वस्तु मिले, ऐसी सेवाएं मिले जो हमारे जीवन को हैजार्डियस ना बनाए, उसको खतरे में ना डाले, उसको डेंजर में ना डाले। ऐसी वस्तु पाने का हमें अधिकार है। प्रोड्यूसर्स नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स। जो निर्माता है उनको क्या होना चाहिए कि उनको जो सेफ्टी सुरक्षा के जो नियम और कानून है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। देर आर मेनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी परचेज दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन टू द सेफ्टी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके जिनको लेते टाइम या प्रोड्यूसर को देते टाइम एक सुरक्षा के पैमाने को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप कोई प्रेशर कुकर खरीद रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर खरीद रहे हैं, तो इमीडिएटली इनके रिएक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। या फिर आप किसी सैलून में जाते हैं, कोई आप ट्रीटमेंट लेते हैं, किसी डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट लेते हैं जहां पर आपका जीवन भी दांव पे लग जाए, तो ऐसे पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल भी है, प्रेशर कुकर हैव अ सेफ्टी वॉल। प्रेशर कुकर के ऊपर एक सेफ्टी वॉल होती है, सीटी जिसको बोलते हैं, विच इफ इट इज डिफेक्टिव, अगर ये खराब है, कैन कोज अ सीरियस एक्सीडेंट। और हमने देखा भी है प्रेशर कुकर एक आईडी की तरह फटते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं लाइफ को भी, प्रॉपर्टी को भी। द मैन्युफैक्चरर और द सेफ्टी वॉल हैव टू एंश्योर हाई क्वालिटी। जो सेफ्टी वॉल बनाने वाली निर्माता कंपनी है उसको हाई सिक्योरिटी का, हाई क्वालिटी का, उसकी गुणवत्ता को सुधारने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। यू ऑल्सो नीड पब्लिक और गवर्नमेंट एक्शन टू सी दिस दैट दिस क्वालिटी इज मेंटेन्ड। जो सरकार की जो एक्शन है, सरकार की जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी होती है, उनको भी ये लगातार जांच करते रहने चाहिए कि कोई भी कंपनी सेफ्टी वॉल बनाते टाइम सेफ्टी और जो उसकी क्वालिटी है उसका ध्यान जरूर रखे, और अगर ऐसा नहीं करती तो उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। हाउएवर वी डू फाइंड बैड क्वालिटी, जबकि हमें इन बैड क्वालिटीज के प्रोडक्ट को मार्केट में देखने को मिलता है, क्योंकि सुपरविजन ऑफ दीज रूल्स इज वीक एंड कंज्यूमर मूवमेंट इज ऑल्सो नॉट एनश्योर्ड, ऑल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ। फिर भी हमें बैड क्वालिटीज के प्रोडक्ट मार्केट में देखने को मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जो हमारी सुपरविजन करने वाली अथॉरिटी है, वो सही तरीके से सुपरवाइज नहीं करती उन कंपनी को। उन कंपनी को अगर वो पाते हैं कि अगर इसमें किस क्वालिटी में कुछ खराबी है, तो हम जो एक अथॉरिटी, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, वो उसको सू नहीं करती, उसके प्रति जो उसकी क्वालिटी है उसको बढ़ाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता और नेग्लिजेंस हो जाता है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है एक उपभोक्ता। ऐसा होना नहीं चाहिए। इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, क्या एक सूचनाएं हैं जो वस्तु और सेवा लेते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए या देनी चाहिए? When you buy any commodity, you will find certain details given on the packaging. Packaging पे आपको एक सूचनाएं मिलती है, किस तरह की सूचनाएं? These details are about ingredients. जो ingredients उसमें यूज हुए हैं उसके बारे में आपको generally सूचनाएं मिलती है। वो ingredients कौन यूज करता है? Manufacturer जो होता है वो ही इसकी information देता है। वो क्या हो सकती है, जैसे ingredients क्या यूज किए गए हैं, उसका प्राइस कितना है। आपने देखा कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसके पीछे उसका एक लेबल होता है, उस लेबल पे हर एक जानकारी आपको लिखी हुई मिलती है। बैच नंबर क्या है, उसकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डिटेल क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस कहाँ का है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये सब डिटेल आपको मिलती है। व्हेन वी बाय मेडिसिन ऑन द पैकेट्स यू माइट फाइंड डायरेक्शंस फॉर प्रॉपर यूज, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू साइड इफेक्ट एंड रिस्क एसोसिएटेड टू यूजेज ऑफ दैट मेडिसिन। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि जब आप कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या मिलता है। जैसे कि मेडिसिन के पैकेट पे आपको क्या मिलती है, डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज, उसको यूज करने के जो विधि है, डायरेक्शन है, वो आपको मिलती है। उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है या रिस्क इन्वॉल्व तो नहीं है, उसकी जानकारी उसके ऊपर ही रहती है, मेडिसिन के ऊपर। व्हेन यू बाय गारमेंट्स यू विल फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन इंस्ट्रक्शन फॉर वॉशिंग। जब कोई आप कपड़े खरीदते हैं तो आपको जनरली देखने को मिलता है, आप कोई शर्ट खरीदी तो उसके ऊपर एक हल्का सा टैग लगा होता है कि इसको आयरन करना है नहीं करना है, वॉशिंग मशीन से धुलने वाली चीज है या नहीं है, क्या ये प्रोडक्ट ड्राई क्लीन के लिए तो नहीं है, या आप हैंड वॉश कर सकते हैं इसको, तो वो सब जानकारी दी हुई है। क्यों दी होती है? ताकि कंज्यूमर जो है उपभोक्ता है उसको किसी गलत चीज का, अनएथिकल चीज का सामना ना करना पड़े। व्हाई इज इट दैट रूल्स हैव बीन मेड सो दैट मैन्युफैक्चरर डिस्प्लेस दिस इंफॉर्मेशन। क्यों ऐसा बनाया गया?
सिंपल सी बात है कि ताकि जो कंज्यूमर है उपभोक्ता है उसको सूचना मिल सके उसके बारे में, और ये उसका अधिकार है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचना का उसके पास अधिकार है, सूचित होने का अधिकार है कि वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसके बारे में उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज, कंज्यूमर्स कैन देन कंप्लेन एंड आस्क फॉर कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट इफ प्रोडक्ट प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव इफ इन एनी मैनर। और ये सूचनाएं इसलिए दी जाती है ताकि अगर सूचनाओं में कुछ गड़बड़ी है तो कंज्यूमर को अगर कोई साइड इफेक्ट होता है या कुछ कोई भी सिक्योरिटी उसकी सेफ्टी अगर हानि होती है, सेफ्टी की हानि होती है, सुरक्षा उसके दांव पे लगती है, तो वो क्या कर सके, उस प्रोडक्ट अगर वो डिफेक्टिव है तो उसको कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन उसकी कर सके, उसको कंपेंसेशन या उसका रिप्लेसमेंट की डिमांड वो कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी बाय अ प्रोडक्ट, अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और डिफेक्टिव पाते हैं उसको, उस प्रोडक्ट को हमें लगा कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इफ यू बाय अ प्रोडक्ट एंड फाइंड इट डिफेक्टिव वेल विद इन एक्सपायरी पीरियड, और एक्सपायरी पीरियड के अंदर ही हम पाते हैं कि वो डिफेक्टिव है, वी कैन आस्क फॉर अ रिप्लेसमेंट। हम रिप्लेसमेंट, जैसे कि आप जाते हैं किसी शॉप पे और आपने देखा कि कोई प्रोडक्ट है वो एक्सपायरी डेट का है बट स्टिल दुकानदार आपको दे रहा है, तो आप उसको बदल सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपने कोई जूस की बोतल खरीदी, जूस का कोई पैकेट खरीदा, टेट्रा पैक में जो आता है उस पर लिखा होता है कि अगर ये फूला हुआ पैकेट है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं भले ही उसकी एक्सपायरी डेट हो या ना हो, तो वो सब अगर आपको मिलता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इफ एक्सपायरी पीरियड वॉज नॉट प्रिंटेड, अगर उसके ऊपर एक्सपायरी पीरियड प्रिंट नहीं हुआ है तो मैन्युफैक्चरर वुड ब्लेम शॉपकीपर एंड विल नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक्सपायरी डेट मेंशन ही नहीं है उसके ऊपर, प्रिंटेड ही नहीं है, तो मैन्युफैक्चरर जनरली क्या करता है, शॉपकीपर को ब्लेम करता है और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है, वो नहीं लेता अपने ऊपर। इफ पीपल सेल मेडिसिन that have expired sever expired severe action can be taken against them. अगर कोई व्यक्ति एक्सपायरी दवाई देता है तो उसके ऊपर एक कठोर कार्रवाई उसके ऊपर हो सकती है। सिमिलरली वन कैन प्रोटेस्ट एंड कंप्लेन इफ समवन सेल्स अ गुड मोर देन द प्रिंटेड प्राइस। अगर कोई व्यक्ति आपको उसके ऊपर जो एमआरपी डला हुआ है किसी वस्तु के ऊपर उससे ज्यादा में आपको पैसे चार्ज करता है तो आप उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें उसी प्राइस पे दीजिए जिस पे वो मेंशन है। दिस इज इंडिकेटेड बाय एमआरपी। एमआरपी आपने पढ़ा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शॉपकीपर, कोई भी मैन्युफैक्चरर आपसे एमआरपी से ज्यादा वस्तु पे अगर कोई चार्ज करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इनफैक्ट कंज्यूमर कैन बार्गेन विद द सेलर टू सेल एट लेस देन एमआरपी। और ये ग्राहक का अधिकार है कि वो एमआरपी से कम के लिए बार्गेन करे, कि मुझे अगर एमआरपी 40 रुपए है तो आप उससे बार्गेन कर सकते हैं कि वो आपको 30 रुपए दिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस एमआरपी के अंदर ना केवल मैन्युफैक्चरर, ना केवल सेलर, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर से लेके हर एक का कमीशन उसी एमआरपी के अंदर छुपा होता है, तो आप बार्गेन कर सकते हैं। इन रिसेंट टाइम्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सपेंडेड टू कवर वेरियस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कुछ दिनों में हमने देखा कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट है, जो कि 2005 में पास हुआ था, वो काफी चीजों को कवर करता है, काफी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनको कवर करता है। किस तरीके से, इन अक्टूबर 2005 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड अ लॉ पर्टिकुलर नोन एज आरटीआई। आरटीआई का जो एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिनियम है, 2005 में लाया गया था, वो सिटीजन को एक इन्फॉर्म सिटीजन में कन्वर्ट करने के लिए उसका मोटो है, विच इंश्योर्स इट्स सिटीजन्स, जो नागरिक है, ऑल द इन्फॉर्म अबाउट, ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो सरकारी विभाग है उनके फंक्शंस की आपको सही जानकारी मिले, सही सूचना मिले, वो इंश्योर करता है। द इफेक्ट ऑफ आरटीआई कैन बी अंडरस्टूड इन फॉलोइंग केस। एक नीचे केस पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि आरटीआई का क्या इंपैक्ट है, क्या इफेक्ट है। वेटिंग, अमृता एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, अमृता जो है वो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, आफ्टर सबमिटिंग ऑल द सर्टिफिकेट्स एंड अटेंडिंग द इंटरव्यूज फॉर अ जॉब इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिड नॉट रिसीव एनी न्यूज ऑफ द रिजल्ट। अमृता एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी, उसने क्या किया, सभी उसको सर्टिफिकेट मिल गया, डिग्री मिल गई और इंटरव्यू भी उसने अटेंड कर लिया गवर्नमेंट जॉब के लिए, डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सरकारी विभाग में इंटरव्यू भी दिया, सर्टिफिकेट्स भी उसको मिल गए, बट उसको जॉब रिसीव करने का कोई न्यूज लेटर नहीं मिला। द ऑफिशियल्स ऑल्सो रिफ्यूज टू कंप्लाई विद हर क्वेरीज। जो वहां पे ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी उसके जो सवाल थे, उसकी क्वेरी थी, उसको सोल्व करने से मना कर दिया, उसके जवाब देने से मना कर दिया।
She therefore filed an application using RTI. उसने RTI Act के तहत एक application file की, क्या कहकर, that it was the right to know the result in a reasonable time so that she could plan for her future. उसने एक application file की ये जानने के लिए कि उसको timely result उसको मिले, ताकि वो pass हो या fail हो वो एक अलग चीज है, पास है तो वो ज्वाइन करे उसको जल्दी से जल्दी, और फेल है तो वो अपने फ्यूचर की कुछ और प्लानिंग करे. सी वॉज नॉट ओनली इन्फॉर्म अबाउट द रीजंस फॉर डिले इन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बट ऑल्सो वॉट हर कॉल लेटर फॉर अपॉइंटमेंट एज सी परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यू. इसके बाद क्या हुआ, ना केवल उसको डिले होने का जो रिजल्ट डिले हुआ उसका एक कारण मिला, बल्कि उसको जल्दी से जल्दी उसका जो ज्वाइनिंग लेटर था वो भी उसको मिला उस आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू. तो ये उसका फायदा वो गिना रहे हैं. तो आज के लिए इस पार्ट में हम यही तक करेंगे. अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कैसे व्हेन द चॉइस इज डिनाइड, जब आपको कोई चॉइस डिनाइड होती है वो किस तरीके से आप उसको, उसका जो राइट है वो अगर वोलेट होता है, आपको चाहिए कुछ और मिलता कुछ और है, आपकी चॉइस डिनाइड हो जाती है, वो किस तरीके से आप करेंगे. अभी तक के चैप्टर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद.